फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हार्डवेयर चौक से प्याली चौक तक करीब 6 करोड़ की लागत से बनने वाले 4 लाइन RMC रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जमकर विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के 6 साल के राज में पिछले 50 सालों के विकास कार्यों का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। देश और प्रदेश में भाजपा सरकार लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। हमारे NIT विधानसभा क्षेत्र को हार्डवेयर चौक से प्याली चौक तक जोड़ने वाली सड़क, इसकी बहुत अरसे से मांग थी और जायज मांग थी। पूरा हल्का इस सड़क से जुड़ता है, इसकी बहुत दिन से हालत इस सड़क की जर्जर थी, तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मूलचंद जी ने और सब ने इसकी मांग को मानते हुए इसका 6 करोड़ का बजट मंजूर कराया और ये दोनों तरफ 9 मीटर एक तरफ और 2.5 मीटर के दोनों तरफ फुटपाथ वर्ज बनेगा और 6 करोड़ की लागत से ये सड़क बनेगी। और सड़क का काम तो लगभग 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बाकी काम और लगेगा। कंप्लीट काम लगभग 4 महीने में पूरा होगा और पूरे NIT विधानसभा क्षेत्र के लाखों निवासियों को इसका फ़ायदा होगा, आवागमन सुगम होगा, उनके समय की भी बचत होगी और गाड़ियों की टूट फूट की बचत होगी। इस अवसर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बल्लभगढ़ विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे फरीदाबाद का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सड़क दोनों तरफ 9-9 मीटर की बनेगी और उनके साथ दोनों तरफ 2.5-2.5 मीटर के फुटपाथ बनेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने केंद्रीय मंत्री केसरीपाल जी के नेतृत्व में ये 7 करोड़ की लागत से सड़क है और बहुत लंबे समय से डिमांड थी और इसकी परमिशन आ गई, 5 मिनट बनके तैयार होगी। कहाँ कहाँ के लोगों को सड़क के बनने से लाभ होगा? इस पे गुड़गांव जाने वाले को लोग रहा है, NIT क्षेत्र के सभी लोगों को, बल्लभगढ़ विधानसभा के और बड़खल विधानपुर फरीदाबाद के लोगों को इस सड़क का लाभ मिलेगा और आवागमन का लाभ मिलेगा और इसकी बहुत लंबे समय से लोगों की जरूरत थी, किसी कारणवश रुकी हुई थी और सभी लोगों को इसका लाभ मिला। सड़क बनने के साथ साथ कुछ सुंदरता पर भी इस पे काम किया जाएगा क्या? सब चीज पे काम किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए इस अवसर पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की गई और कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर ही इस सड़क के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। पंजाब के सी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।